Hello my dear friends, welcome back to the lecture series of judicial examination. I am Dr. Waseem I Khan, assistant professor, Sri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. In today's lecture, we will discuss section 86 to section 90 of Criminal Procedure Code, which is a part and parcel of attachment of property if the person is not remain present before the court of law within the required time. तो आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है सेक्शन 86 टू सेक्शन 90 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, जो कि प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस ऑफ पर्सन का लास्ट पार्ट है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोर्ट ने प्रॉपर्टी अटैच किया किसकी किसी पर्सन की, तो उसके बाद का प्रोसीजर क्या रहेगा, जो पर्सन की वो प्रॉपर्टी है वो पर्सन क्या कर सकता है, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं. साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इस पर पूछे गए क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इस पर्टिकुलर टॉपिक पर पूछ सकता है. सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. सेक्शन 86 टू 90 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973. सेक्शन 86 डील्स विथ अपील्स फ्रॉम ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर रेस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी. सेक्शन 86. सेक्शन 85 में हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई पर्सन जिसकी प्रॉपर्टी अटैच की गई वो अगर दो साल के अंदर वॉलंटरीली अगर कोर्ट में अपियर होता है तो कोर्ट उसको उसकी प्रॉपर्टी वापस दे सकता है. लेकिन अगर उसने प्रॉपर्टी वापस के लिए एप्लीकेशन किया और वो कोर्ट ने अगर रिजेक्ट कर दिया उसकी एप्लीकेशन, तो उसके अगेंस्ट में अपील कर सकता है और वो प्रोविजन है सेक्शन 86 में. सो एनी पर्सन रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 85 हु इज एग्रीव्ड बाय एनी रिफ्यूजल टू डिलीवर प्रॉपर्टी और द प्रोसीड ऑफ द सेल देयर ऑफ. तो अगर सेक्शन 85 सब क्लॉज 3 में अगर वो अप्लाई करता है कोर्ट के सामने कि उसकी प्रॉपर्टी जो अटैच की हुई है, या अगर वो अटैच की हुई प्रॉपर्टी अगर सोल्ड आउट हो गई है, तो वो जो सेल का जो अमाउंट है वो मुझे दे दिया जाए, और कोर्ट उसको रिफ्यूज करता है वो प्रॉपर्टी हैंड ओवर करने से, तो वो एग्रीव्ड पार्टी क्या कर सकता है, वो पर्सन मे अपील टू द कोर्ट टू विच अपील ऑर्डिनरी लाई फ्रॉम द सेंटेंस ऑफ द फर्स्ट मेंशन कोर्ट. तो क्या होगा कि वो पर्सन अपील कर सकता है ऐसे कोर्ट में कि जो अगर फॉर एग्जांपल अगर कोर्ट सजा सुनाता, तो वो जिस कोर्ट में अपील का उसको पावर राइट था वही कोर्ट में अपील करेगा इस ऑर्डर के अगेंस्ट में, क्योंकि कोर्ट ने उसको उसकी प्रॉपर्टी जो अटैच की हुई है वो हैंडओवर करने से मना करा, तो वो ऑर्डर के अगेंस्ट में वो अपील कर सकता है सुपीरियर कोर्ट में प्रॉपर्टी के लिए. सेक्शन 86 में ये प्रोविजन है. अब इस पर प्रोबेबल क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 एग्रीव्ड पर्सन कैन प्रीफर एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर रेस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी. सेक्शन 84, 85, 86, 87. सेक्शन 86 इज अ करेक्ट आंसर. तो अगर कोई पर्सन कोर्ट में वॉलंटरीली अपियर होता है और उसकी प्रॉपर्टी जो कोर्ट ने अटैच किया है वो अगर वो क्लेम करता है और कोर्ट उसको वो प्रॉपर्टी नहीं देता है, तो उसका ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील करेगा वो सेक्शन 86 में. सेक्शन 87, इश्यू ऑफ वारंट इन लीव ऑफ और इन एडिशन टू समन्स. सेक्शन 87. सो अ कोर्ट में इन एनी केस इन विच इट इज इम्पावर्ड बाय दिस कोर्ट टू इश्यू अ समन्स फॉर द अपीयरेंस ऑफ एनी पर्सन इश्यू आफ्टर रिकॉर्डिंग इट्स रीजन इन राइटिंग अ वारंट फॉर हिज अरेस्ट. सो इफ एनी कोर्ट इज हैविंग अ पावर टू इश्यू अ समन्स अगेंस्ट एनी पर्सन आफ्टर रिकॉर्डिंग इट्स रीजन इन राइटिंग अ वारंट फॉर हिज अरेस्ट. अगर एखादा कोर्ट इस कोड में कोर्ट किसी कोर्ट को पावर है समन्स इशू करने के लिए, वो किसी पर्सन के अगेंस्ट में समन्स इशू करता है उसको अपीयर होने के लिए, तो वो कोर्ट रीजन रिकॉर्ड करके समन्स इशू ना करते हुए डायरेक्ट वारंट इशू कर सकता है किसी पर्सन के अरेस्ट के लिए. समझ रहे हो, कोर्ट को पावर है समन्स इशू करने के लिए. हमने प्रोसेस देखा कि पहले समन्स इशू होगा उसके बाद वारंट इशू होगा, लेकिन जो कोर्ट को समन्स इशू करने का पावर है वो रीजन मेंशन करके डायरेक्टली वारंट ऑफ अरेस्ट इशू कर सकता है. कैसा, इफ आइदर बिफोर एंड आफ्टर द इशू ऑफ सच समन्स बट बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर हिज अपीयरेंस द कोर्ट सीज रीजन टू बिलीव दैट ही हैज अब्सकॉन्डेड और विल नॉट ओबे द समन्स. अगर कोर्ट को समन्स इशू करने के पहले या समन्स इशू करने के बाद, लेकिन
अगर समन्स इशू करने के बाद, लेकिन बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर हिज अपियरेंस, लेकिन उसका जो टाइम दिया हुआ था उस पर्सन को अपियर होने के लिए उसके पहले, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये पर्सन भाग गया है तो कोर्ट क्या करेगा, या समन्स ओबे नहीं होने वाला है तो उस सिचुएशन में कोर्ट वारंट इशू कर सकता है। कोर्ट को कभी भी लगे, एक तो समन्स इशू करने के पहले या समन्स इशू करने के बाद, कोर्ट को ऐसा लगता है कि जिसके अगेंस्ट में समन्स इशू हुआ वो भाग गया और समन्स ओबे नहीं होने वाला है, तो कोर्ट क्या करेगा, रीजन रिकॉर्ड करके डायरेक्टली वारंट इशू कर सकता है। बी, इफ एट सच टाइम ही फेल्स टू अपियर एंड द समन्स इज प्रूव्ड टू हैव बीन ड्यूली सर्व्ड इन टाइम टू एडमिट ऑफ हिज अपियरिंग इन अकॉर्डेंस देयर विद एंड नो रीजनेबल एक्सक्यूज इज ऑफर्ड फॉर सच फेल्यूअर, अगर कोर्ट को ये लगा कि समन्स ड्यूली सर्व हुआ और जो टाइम उसको दिया गया था वो टाइम में कोर्ट में प्रेजेंट वो नहीं रहा, और फेल्यूअर वो क्यों प्रेजेंट नहीं रहा उसका रीजन भी कोर्ट के सामने उसने पेश नहीं किया, उस सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगा, रीजन रिकॉर्ड करके कि समन्स हमने सर्व किया था, वो पर्सन प्रेजेंट नहीं रहा कोर्ट में, ये रीजन रिकॉर्ड करेगा और वारंट इशू करेगा उस पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट में। दैट इज प्रोविजन मेंशन अंडर सेक्शन 87। नाउ सेक्शन 88, पावर टू टेक बॉन्ड फॉर अपियरेंस, सेक्शन 88। सो व्हेन एनी पर्सन फॉर हूज अपियरेंस और अरेस्ट द ऑफिसर प्रिसाइडिंग इन एनी कोर्ट इज एम्पावर्ड टू इशू अ समन्स और वारंट इज प्रेजेंट इन सच अ कोर्ट। सो जब कभी भी कि एखादा पर्सन जिसके अगेंस्ट में कोर्ट एक तो वारंट या समन्स इशू कर रहा है, वो पर्सन अगर कोर्ट में प्रेजेंट रहता है, कोर्ट जिस पर्सन के अगेंस्ट में वारंट या समन्स इशू किया वो अगर पर्सन कोर्ट में प्रेजेंट होता है, is present in such a court, such officer may require such persons to execute a bond with or without sureties for his appearance in such court or any other court to which the case may be transferred for trial. क्या होगा कि for example court ने किसी person के against में summons issue किया और वो person court में आता है, तो court क्या करेगा, court उसको बोलेगा कि इतना इतना bond आप with or without surety, आपको जमानत देना पड़ेगी विथ और विदाउट श्योरिटी, के आपको जब कभी भी कोर्ट में बुलाया गया आप आओगे या इस कोर्ट में या ऐसे कोर्ट में जिसको वो केस ट्रांसफर किया गया है, समझ रहे हो। तो अगर वो वारंट पे अगर कोर्ट में प्रेजेंट रहता है वो अक्यूज या समन्स पे प्रेजेंट रहता है तो कोर्ट को ये पावर है, कोर्ट श्योरिटी का ऑर्डर पास कर सकता है, जमानत देने के लिए कोर्ट उसको कह सकता है कि हम जब बुलाएंगे जब आप आएंगे इसकी आप जमानत दो, इसकी आप श्योरिटी दो। लाइक सच पावर टू टेक बॉन्ड, कोर्ट को पावर है ऑर्डर पास करने का बॉन्ड का। अब प्रोबेबल क्वेश्चन है सेक्शन 88 पे, अंडर विच सेक्शन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 कोर्ट इज इम्पावर टू टेक बॉन्ड फॉर अपियरेंस, 84, 85, 88, 87। सो करेक्ट आंसर इज सेक्शन 88, कोर्ट को बॉन्ड लेने का पावर है सेक्शन 88 में। नाउ सेक्शन 89, अरेस्ट ऑन ब्रीच ऑफ बॉन्ड फॉर अपियरेंस। So when any person who is bound by any bond taken under this code to appear before a court does not appear, अगर section 88 में अगर कोई person ने bond execute किया court के सामने, जमानत दी court के सामने कि मैं ये date में present रहूँगा, अगर वो date में present नहीं होता है, when any person who is bound by a bond taken under this code to appear before a court does not appear, वो जिस डेट में अपियर होने के लिए उसने ये कहा था कि मेरी ये जमानत है कि जब आप बुलाओगे मैं कोर्ट में प्रेजेंट रहूंगा, और ये कहने के बाद वो अपियर नहीं होता है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, द ऑफिसर प्रिसाइडिंग इन सच कोर्ट में इशू अ वारंट डायरेक्टिंग दैट सच पर्सन बी अरेस्टेड एंड प्रोड्यूस बिफोर हिम। कोर्ट के सामने तो उस अक्यूज ने कहा था कि ये मेरी जमानत है, जब आप बुलाओगे मैं आपके सामने हाजिर रहूंगा, लेकिन जो डेट में कोर्ट ने बुलाया अगर वो डेट में वो अपियर नहीं होता है तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट उसके अगेंस्ट में पावर है कोर्ट को, कोर्ट वारंट इशू करेगा उसके अगेंस्ट में कि उसको अरेस्ट करो और कोर्ट के सामने पेश किया जाए। दैट इज सेक्शन 89। नाउ लास्ट सेक्शन, सेक्शन 90, प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर जनरली अप्लीकेबल टू समन्स एंड वारंट्स ऑफ अरेस्ट। सो द प्रोविजन कंटेंट इन दिस चैप्टर रिलेटिंग टू अ समन्स एंड वारंट and their issue, service and execution shall, so far as may be applied to every summons and every warrant of arrest issued under this code. तो ये जो chapter के part जो summons से related है, warrant से related है,
वो हर समन्स और वारंट जो इस कोड में इशू किए हुआ है उसको अप्लीकेबल होगे. सो दिस इज अ पर्टिकुलर सेक्शन, सेक्शन 85 to 90. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. इफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बटन, हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स. थैंक यू वेरी मच.